स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। बच्चों, आज मैं जो लेसन लेकर आई हूं उसका टाइटल है रिकी टिकी तावी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल नाइट। टेडी, ए यंग बॉय ऑफ 10, रैन आउट इनटू द गार्डन। ही सॉ ए गूस लेइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। हियर्स ए डेड गूस, टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, लेट्स बरी हिम। सारी रात भारी वर्षा हुई। सुबह टेडी नामक एक लड़का जो कि 10 साल का था, घर से भागकर बाहर बगीचे में आया। उसने अपने बगीचे में घास पर एक नेवले को लेटे हुए देखा। वह भीगा हुआ था और घास पर लेटा हुआ था। टेडी ने अपनी माँ को बुलाते हुए जोर से आवाज़ लगाई और कहा, यहाँ पर एक मरा हुआ नेवला है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। नो, सेड टेडीज मदर, हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली, परहैप्स ही विल लाइव, लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। टेडी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, शायद अभी यह जिंदा है क्योंकि इसका दिल अभी भी धड़क रहा है, ये हाँफ रहा है, आओ इसे अंदर ले जाएं और इसे सुखाएं। टेडीज फादर रैप्ड हिम इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। द मैंगोज स्नीज्ड। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टूक हिम आउटसाइड। He sat in the sun and shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush. टेडी के पिताजी ने उसे एक पुराने मफलर में लपेटा और आग के थोड़े पास रखा ताकि वह सूख सके। नेवले को छींक आई। टेडी और उसकी माता पिता खुश हो गए। उन्होंने उसे मीट खाने को दिया और उसे बाहर ले गए। वह उसे सूरज की धूप में लेकर बैठे और फिर उसकी लंबी फ्लफी सॉफ्ट पूंछ को तब तक हिलाया जब तक वह सूख कर बोतल ब्रश की तरह फ्लफी नहीं हो गई। सून टेडी एंड द लिटिल मैंगूज बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। द मैंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिकी टिकी टिकी। टेडी यूज टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी तावी। और जल्दी ही टेडी और वह नेवला अच्छे दोस्त बन गए। नेवला लंबी लंबी घास के बीचों बीच उछलता कूदता भागता और वह चिल्लाता रिकी टिकी रिकी। टेडी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता और फिर उसे पुकारना शुरू करता रिकी टिकी तावी। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। देयर ही सा नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन। ऑल दो रिकी टिकी वॉज यंग ही न्यू दैट स्नेक्स वर हिज एनिमीज। एक सुबह रिकी टिकी बगीचे में घूम रहा था, वहाँ उसने एक नाग को देखा। वह बहुत बड़ा कोबरा था, उसके साथ उसकी नागिन भी थी। हालांकि रिकी टिकी अभी छोटा था, फिर भी वह ये जानता था कि सांप उनके दुश्मन होते हैं। नाग ऑल्सो न्यू डैट मैंगूज इन द गार्डन मेंट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और नाग को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि नेवले का बगीचे में होना नाग और उसके परिवार के लिए मृत्यु के समान है। इट वॉज नाइट, टेडी कैरिड रिकी टिकी टू हिज बेड एज यूजुअल। और रात हो गई और हमेशा की तरह रिकी टिकी को टेडी अपने बेड पर ले गया। बट एज सून एज द बॉय वॉज अस्लीप, रिकी टिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस। एज ही मूव्ड अबाउट ही हर्ड ए फेंट साउंड, इट केम फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। परंतु जैसे ही लड़का सो गया, रिकी टिकी अपनी रात की वॉक के लिए घर से बाहर निकला और जैसे ही उसने घर के आसपास बाहर घूमना शुरू किया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि हिजिंग साउंड थी, डरावनी साउंड थी जैसे सांप की होती है। और यह आवाज़ टेडी के माता पिता के बाथरूम से आ रही थी। रिकी टिकी क्वाइटली एंटर द बाथरूम। ही कुड हेयर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम डोर। रिकी टिकी जल्दी से बाथरूम में आया और बाथरूम के दरवाजे की दूसरी तरफ से वह नाग नागिन को बातें करते हुए सुन सकता था। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, किल द थ्री पीपल इन द हाउस, द मैंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट, देन वी विल हैव द गार्डन टू आवरसेल्व्स। नागिन अपने पति से कह रही थी, घर के तीनों आदमियों को मार डालो, नेवला घर छोड़कर अपने आप ही चला जाएगा जब घर में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, और फिर बगीचा हम दोनों का होगा। रिकी टिकी सा नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। नाग न्यू डैट टेडीज फादर वुड कम टू द बाथरूम अराउंड मिडनाइट, सो ही कॉइल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट टू स्लीप देयर। रिकी टिकी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर वॉचिंग नाग। रिकी टिकी ने देखा नाग फिसल कर नाली के द्वारा बाथरूम में आया। नाग जानता था कि टेडी के पिता आधी रात को बाथरूम में आएंगे, इसलिए उसने कुंडली मार ली और वहीं पर सो गया।
और रिकी टिकी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ यह सब देख रहा था। When Nag was fast asleep, Rikki Tikki jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. Nag was furious. He threw his head from side to side and Rikki Tikki was flung against the wall again and again. Rikki Tikki thought he was going to die. He was bleeding, but he did not let go to his hold of Nag's head. और जब नाग गहरी नींद में सो गया तब रिकी टिकी ने नाग के सिर पर जंप लगाई और उसने अपने दांत सांप के मांस में गाड़ लिए। नाग को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से अपने सिर को इधर उधर हिलाया और नाग के सिर हिलाते ही रिकी टिकी बार बार दीवार से जोर जोर से टकराया और रिकी टिकी ने सोचा कि अब वह मरने वाला है क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था, परंतु उसने नाग के सिर को दबोचे रखा और उस पर अपने दांत गड़ाए रखे। ड्यूरिंग द स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सॉप डिश दे फेल टू द ग्राउंड विद ए क्लैटर। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। नाग्स हैड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव। टेडीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द नॉइस हैड शूट नाग विद हिज गन। और इस लड़ाई के दौरान नाग की पूंछ से मग और साबुन रखने की डिश हिल गई और वो जोर की आवाज करते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़े और अचानक से यह जंगली संघर्ष भी समाप्त हो गया। नाग का सर नीचे गिर गया और वह हिला नहीं। टेडी के पिता जो आवाज सुनकर बाथरूम में आए उन्होंने अपने बंदूक से गन से नाग को मार डाला। टेडीज फादर पिक्ड अप द ब्लीडिंग Rikki Tikki एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन Rikki Tikki's वुंड। टेडी के पिता ने खून से लथपथ Rikki Tikki को उठाया और वापिस अपने कमरे में आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से Rikki Tikki के जख्मों पर मरहम या कोई दवाई लगाने को कहा। आई किल द स्नेक ही सेड बट Rikki Tikki सेव्ड आवर लाइफ। और उन्होंने अपनी पत्नी को ये भी बताया कि मैंने सांप को मार डाला परंतु Rikki Tikki ने हमारी जान बचाई है। टेडीज मदर वॉश्ड Rikki Tikki's वुंड विद मेडिसिन। She patted his sore head and gave him some toffees. Under her loving care, Rikki Tikki felt better. So he fluffed up his tail and ran off to Teddy's room. Teddy की माँ ने Rikki Tikki के जख्मों को दवाई से साफ किया और उसके पीड़ित सिर को हाथ से थपथपाया और उसे कुछ टॉफीज खाने को दी। माँ के प्यार और केयर से Rikki Tikki को अब कुछ अच्छा लगा और वह अब अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पूंछ को हिलाया और वह भागता हुआ टेडी के रूम में चला गया। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।